नौजवान रोज वड वड के गोलियां मार मार के पंजाब दे अंदर मर रहे है, नशे का बुरा हाल हो रहा है। दुख है इस गल का कि इतों लोग सारे रोजाना डारा दियाँ डारा बन के जहाज भर कर के जा रहे। अज इस तरह के हालात है, मैं धनवादी हाँ कनेडा के अमरीका के आस्ट्रेलिया वर्गे देशों का जेडे वो सारे जवाकों सामभ रहे। 35,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, 35,000 करोड़ रुपया कर्जे की तजवीज़ रखती है, 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा 2 साल अगर ले लेंगे कितों देंगे तनखावां। पर हाँ, मुलाजमान समय सिर तनखावां अगर नहीं मिलनगियाँ तो PRTC चलनी बंद हो जाएगी। अब फड़ा फड़ाई तो बिना कोई होर मुद्दा ही नहीं है। सरकार ये मत समझे कि वो जलंधर जीती है तो उन्होंने कारगुजारी दे मोर लगी है ना, यही भुलेखा लोगों ने कढ़ देना। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फैक्ट न्यूज़, मैं तुहाडा जसप्रीत सिंह अश। किस समय असी कांग्रेस भवन दे विच आ जिथे कि अज कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग एक मीटिंग लैण लई पुज रहे ने। खास मीटिंग है क्योंकि पंचायती चोणां आ रहियां ने, उस नूं देखदिआं होइआं ते अपनी पार्टी नूं होर मजबूत किवें कीता जावे उस नूं देखदिआं होइआं खास मीटिंग अज कांग्रेस दे वर्करां नाल होवेगी। पर उस तो पहला आप राजा वड़िंग नाल कई सवाल जवाब भी करांगे क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ने जिन्हों ते चर्चा करनी बनती है। सो गल करदे आ राजा वड़िंग नाल। देखो, बात ये है कि ऑर्डिनेंस के ऊपर क्या फैसला लेना है या नहीं लेना, ये अधिकार क्षेत्र है कांग्रेस अध्यक्ष का और राहुल गांधी जी का। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 14 महीने के सरकार में जो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ पंजाब के अंदर और क्या क्या हुआ, किस प्रकार से काम चला, वेंडेटा पॉलिटिक्स हुई और किस प्रकार से हमारे साथियों को रोज़ाना एक से एक को लेकर एक के बाद एक, वो सारे का सारा मैंने हाईकमांड को जानू करवाया है। हालांकि मेरे से मांगा भी गया था कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, और वो मैंने बता दिया है जिस प्रकार से हुआ है। फैसला अंतिम निर्णय हमें लगता है कि जो भी बात होगी, हाईकमांड और KC वेणुगोपाल जी ने, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि हम अपने स्टेट यूनिट्स के साथ बात करके कोई फैसला लेंगे। बाकी अंतिम फैसला जो हाईकमांड का होगा, खड़गे साहब का होगा, राहुल जी का होगा, KC वेणुगोपाल जी का होगा, वो हम उससे सहमत होंगे। क्या पंजाब का यूनिट इस हक में है? नहीं नहीं, मैं हक में हूँ या नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बात किसी मीडिया के मंच से मैं कहूँ बतौर अध्यक्ष तो मेरे को लगता कि ये जायज़ नहीं है। जो भी बात मेरे को कहनी है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को मैं, जब मेरे से वो पूछेंगे, ऑलरेडी एक बार पूछ भी लिया गया है, वो मैंने उनको सारी कहानी के बारे में बता दिया है। लेकिन मैं, जो फैसला हाईकमांड का होगा हम उसके साथ चलेंगे। अमरिंदर जी, कुलदीप धालीवाल कहें कि असं आईलैट्स का जो सिलेबस है वो कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज लैके जावे, जदों की पहले सरकार कहती सी आम आदमी पार्टी कहती सी रिवर्स माइग्रेशन करावांगे। नहीं, अब धालीवाल जी का क्या मतलब है इससे? धालीवाल साहब का की मतलब है बेनती करांगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी गल कह दिंदा है, सो कृपा करके आपदा सिलेबस करके सारे नूं गल करनी चाहीदी है, रादर देन आई एम टॉकिंग अबाउट मैं कुछ होर गल कर दिया जिवें तुसीं हुण मैनूं कह रहे हैं। मेरे अधिकार खेत्र च नहीं ऑर्डिनेंस से की होना कि नहीं होना, हाँ मैनू जानकारी देनी मेरी फर्ज बनता है, कोई जिहड़ा सब्जेक्ट नहीं है। सो मैनू नहीं लगता कि धालीवाल साहब की कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। सरकार कहंदी सी कि असीं रिवर्स माइग्रेशन करावांगे, विदेश तो पंजाब ले आवांगे, पर आईलैट्स दी जिहड़ी कॉलेजेस ते यूनिवर्सिटीज लैके जाना उस नूं, भाई साहब ना तां विदेशां तों कोई व्यक्ति आउणा है इत्थे, उल्टा सच जाणो तां मैं उल्टा उहनां देशां दा धन्नवाद करदा। बिल्कुल, मन नूं तां बहुत दुखी है, दुख है इस गल दा कि इत्थों लोग सारे रोजाना डारां दियां डारां बन के जहाज भर कर के जा रहे। लेकिन जिस तरह के अज पंजाब के हालात है,
जिस बदलाव की वह नौजवान उड़ीक कर रहा है अज इस तरह के हालात है। मैं धनवादी हाँ कनेडा तो अमरीका तो आस्ट्रेलिया वर्गे देशों का जोड़े वो साढ़े जवाकों सामभ रहे हैं तो जे इतें होंगे तो हाल की होंगे नौजवान रोज़ वढ़ वढ़ के गोलियां मार मार के पंजाब के अंदर मर रहा है नशे का बदहाल मतलब के बुरा हाल हो गया। मैं नहीं कहता साढ़े वेले नहीं नशा से पर एरा कोई हल तो कढ़ो यार बहुत व्डे सपने तुसी लोगों ने दिखाए सी तुसी बदलाव की गल की सी कि जिहड़ियां रवायती पार्टियां उहदे तो वक्री एक पार्टी होएगी पर फिर रोज़ कह दें कि असी उत्थे जमीन छड़ाउणी है। मैं धालीवाल साहब हरियाणा ने बहुत सारी जमीन छड़ाई भी है पर वो की कहिंदे आ की नहीं कहिंदे यार गल उही करनी चाहीदी है जिहड़ी गल पूरी हो सके जिहड़ी गल पूरी ना हो सके मैनू लगता कि एवें खाब तुसी लोगों नू दिखा दोगे और तुहानू कल गल देनी पएगी हर व्यक्ति उन्हां नू घेर के खड़ा हो जाएगा उन्होंने पूछेगा भी की होया। सो गल मेरा ख्याल केवल सोशल मीडिया से मीडिया से आने लई नहीं कहनी चाहिए किसी भी लीडर नू चाहे घट बोलीए चाहे घट आईए लेकिन गल जायज़ कहीए हौली हौली जो समा आ रहा लोग कह रहे कि यार फलाना बंदा सच्ची जी गल करदा उन्नी गल करनी चाहिए। सरकार ने पीआरटीसी दा बंदोबस्त दा जो महिलाओं को फ्री ट्रैवल है उसका हजी भी कई सौ करोड़ रुपया देना जिसकी वजह से उन्हें भी फंक्शनिंग भी इंपैक्ट हो रही है ना अदारे। देखो मैं उस साढ़े वेले भी देना होता सीगा पीआरटीसी दा मैं हुण देखो मैं फिर जायज़ गल कर कि पीआरटी नहीं सरकार की पीआरटीसी है सरकार पीआरटीसी है लेकिन हाँ मुलाजमान दी तनखावां देन वास्ते क्योंकि सरकार को मैं तो अगे कह रहा 31,000 करोड़ का कर्जा ले लिया 35,000 करोड़ रुपया कर्जे की तजवीज़ रखती है 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा 2 साल अगर ले लेंगे कितों देंगे तनखावां। पर हाँ मुलाजमान समय सिर तनखावां अगर नहीं मिलनगियाँ तो पी आर टी सी चलनी बंद हो जाएगी गड्डिया की रिपेयर ठीक समय उन्हों की नहीं होएगी अज टायरस तो बिना टायर नहीं है बहुत सारिया गड्डिया साड़िया वर्कशॉप के खड़ी हैं मेरा ख्याल 26 उत्ते को 26 तो लैके 30 बसिस तो मुक्तसर डिपू च खड़ी हैं। सो मैनू लगता ओरे आस्ते पैसा जरूर सरकार नू मुहैया करवाना चाहिए हाँ जिहड़ा पुराना पैसा है वो साढ़े बस वक्त भी खड़ा सीगा लेकिन उदों असी 200 करोड़ रुपया मेरे समय असी 200 करोड़ रुपया पी आर टी सी नू रिमबर्समेंट असी करवाई सी खजाना इतों अपना फिनांस डिपार्टमेंट तो इलैक्शन समय दौरान सो देना चाहिए है। अज थोड़ी दी तो रोज़ दें लेकिन वो करप्शन फ्री वाली हेल्पलाइन तो बंद पई है उत्थे हुण किन्ने लोगों के नंबर आ गए कि शिकायत आ गई किसी कोई पता नहीं। मैं थोड़ा ये गल कह रहा कि आ फड़ा फड़ाई तो बिना कोई होर मुद्दा ही नहीं है सरकार सरकार ये मत समझे कि वह जलंधर जीती है तो उन्होंने कारगुजारी से मोर लगी है ना यही भुलेखा लोगों ने कढ़ देना ये बाय इलैक्शन सीगा बहुत वड्डी एक चिंता की गल है कि जनरल इलैक्शन दे विच तुहानू 3,17,000 वोट पई सी हुण तुहानू 3,02,000 वोट पई है और तुसी एक एक मंत्री चार चार MLA क्योंकि 92 बिठाउण दे बावजूद थोड़े बठिंडे तो बी लैण भी उत्थे आ गए बूथां ते बैठे सी बंदे जिहड़े बी लैण आए सी इस बावजूद तुसी 15,000 वोट माइनस होए हो मत समझो ये खतरे की घंटी है हजे थोड़े सारे ऐलान बाकी ने। सो प्लीज़ कृपा करके मत समझो कि सर लोगों ने कम्मां ते मोर लाई है तुसी आने वाले समय से देखियो जो मैनू लगता कि सरकार तो ना खुश है लोग इस करके वोट घट पाउणा है इस करके 15,000 वोट कट। सो इस राजा वड़िंग जिहड़े कि चर्चा कर रहे थे तमाम मुद्दों नूं लैके अज वो कांग्रेस भवन पुजे सीगे केवल एक मीटिंग दे लई ते राजा वड़िंग ने तमाम मुद्दे ते चर्चा की सरकार नूं भी घेरिया ते जेकर गल की जाए तो हुण जिहड़ा संसद भवन दे विच जिहड़ा एक नवां संसद भवन बनिया उहदे विच आर्डिनेंस दे विच जद तमाम पार्टियां अलग नज़र आ रही उस उत्ते जद राजा वड़िंग नाल गल की गई है क्योंकि प्रताप बाजवा ने उससे बयान दिता सी तां राजा वड़िंग ने कहा कि यह फैसला पार्टी प्रधान यानी कि जिहड़ा आ राहुल गांधी या पार्टी प्रधान जिहड़ा जिहड़ा स्टेट लैवल है उसका आप फैसला आ असीं केवल इस दे विच अपने विचार रख सकते हैं पार्टी डिसाइड करेगी कि करना की नहीं करना है। सो अज मीटिंग लैण लई कांग्रेस भवन दे विच राजा वड़िंग पुजे सी पर उस तो पहला जिस तरीके नाल तमाम सवालों जवाब दते ने तुसीं कुछ सुनेंगे हुण मैनूं जसप्रीत सिंह अशक नूं दे इजाजत देखदे रहो फैक्ट न्यूज़।